सभी को नमस्कार। आज के चमत्कार को सुनने के पहले श्री परम ज्योति कल्कि द्वारा प्रकटित बोध को देखते हैं। अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने से उनके आपसी संबंध में सुधार ला सकेंगे। और अब आज का चमत्कार। मैं मुंबई से शिल्पा हिंगोरानी हूँ। चक्रवात के कारण मेरा पूरा घर बारिश के पानी से भर गया। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता गया। यह पहली बार था जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। हमारे बिल्डिंग के अहाते में पेड़ उखड़ कर गिर रहे थे। कुछ अंदर खड़ी कारों के ऊपर गिर गए। मेरी गाड़ी के ऊपर एक आम का बड़ा पेड़ और एक गुलमोहर का पेड़ गिर गया। चूँकि हमें क्वारंटाइन किया गया था, इसलिए मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि मेरी कार को कितना नुकसान हुआ है। अब सुरक्षा कर्मियों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे अलावा सभी कारें क्षतिग्रस्त हो गई है। तो मुझे याद आया कि मेरी कार में श्रीमूर्ति है, फिर मुझे अपने वाहन की सुरक्षा की चिंता क्यों करूं? मैं अकेली ही अपने घर से पानी निकाल रही थी, जिसके कारण थक गई थी। अंत में मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने दिव्य माता पिता से मदद करने के लिए कह रही थी, क्योंकि मुझे पीठ दर्द की समस्या थी। मैं निराशा और समर्पण की स्थिति में डूबी वहाँ से चली गई। जब मैं थोड़ी देर बाद लौटी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उस दोपहर के 4 बजे एक जीवंत चमत्कार देख रही थी। जलस्तर बढ़ने के बजाय कम हो रहा था। बारिश का पानी अब मेरे घर में प्रवेश नहीं कर रहा था। इस बार कृतज्ञता के आंसू बह निकले। 15 मिनट बाद फर्श लगभग सूख गया था। मेरे दिव्य माता पिता श्री परम ज्योति कल्कि को उनके प्यार, सहयोग और अपार कृपा के लिए आभार। एक और चमत्कार है। मेरी चचेरी बहन कोविड-19 के कारण वेंटिलेटर पर थी। वह पहले दिन बेहोश थी और उसे लगा कि 4 लोग उसे दरवाजे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। अचानक 2 सुनहरे हाथ दिखाई दिए और उसने शक्तिशाली रूप से उसके सिर को पकड़ लिया। संघर्ष हुआ, लेकिन वे सुनहरे हाथ इतने मजबूत थे कि दूसरों को उसे छोड़ना पड़ा। यह दृश्य 2 दिन तक उसके सामने आता रहा। कभी कभी उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, सांस लेती रहो, हार मत मानो, तुम्हारा सब समय अभी नहीं आया है, सांस लेना जारी रखो। 3रे दिन से उसमें सुधार होना शुरू हो गया और आखिरकार उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी कज़िन बिल्कुल नई भक्त है। श्री परम ज्योति कल्कि का प्रेम, उनकी करुणा और शक्ति व्यक्ति को मृत्यु के जबड़े से भी बाहर निकाल सकती है। श्री परम ज्योति कल्कि, आपकी अपार कृपा के लिए आपको कृतज्ञता अर्पित है। धन्यवाद।